हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों, हम निकले हैं मुंबई से नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो आपने 3 एपिसोड देख लिए होंगे, जो कि मैंने फर्स्ट एपिसोड किया मुंबई टू इंदौर, सेकंड एपिसोड किया इंदौर से कटनी, और थर्ड एपिसोड जो था वो था कटनी टू पटना। तो तीनों अगर एपिसोड आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाकर देखो। तीनों बहुत ही प्यारा व्लॉग आपके भाई ने शूट किया, मेहनत की है, तो फटाफट उसको जाकर के देखिए। तो ये है चौथा एपिसोड। अब मैं आपको बता दूं कि चौथा एपिसोड छठ पूजा के बारे में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका भाई है बिहार से, और मैंने प्लानिंग जो नॉर्थ ईस्ट की थी उसी तरीके से की थी कि मैं छठ पूजा सेलिब्रेट कर लूं अपने घर पे और उसके बाद यहां से निकलेंगे। तो पांचवा जो एपिसोड होगा वहां से आपको प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट की महक आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आपको छठ पूजा दिखा दिया जाए, जो बिहार से उनको तो पता ही है, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर जो बाहर से हैं उनके लिए मैंने सोचा कि दिखा दिया जाए छठ पूजा कैसे होता है, इसलिए व्लॉग करना ज़रूरी था। तो चलिए फटाफट चल के व्लॉग को इन्जॉय कीजिए। सो दोस्तों, छठ पूजा जो होता है वो 4 दिन का फेस्टिवल होता है। पहला दिन जो होता है वो होता है नहा खा, सेकेंड डे जो होता है खरना, थर्ड डे जो होता है वो होता है फर्स्ट अर्घ, और फोर्थ डे जो होता है उस दिन समाप्ति होती है। सूर्योदय जब होता है तो अर्घ करके उसके बाद चौथे दिन छठ पूजा ख़त्म हो जाता है। तो आज है खरना। तो चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं कि खरना कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बाद खरना का वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं थर्ड डे। फर्स्ट डे वाला मैंने नाखा वाला वीडियो नहीं शूट किया, भूल गया था, तो आपको मैं खरना से लेके चल रहा हूँ, तो खरना वाला वीडियो देख लो। उसके बाद जो थर्ड डे होगा जिस दिन फर्स्ट अर्घ होता है तो वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं कि खरना कैसे सेलिब्रेट होता है। अब ये जो खीर आप देख रहे हैं ये बनता है दूध, चावल मतलब राइस और गुड़ से। अरे इस पे लगाओगे। आपको पौंड दिख रहा है, ये आर्टिफिशियल पौंड है क्योंकि कोरोना के टाइम पे बाहर नहीं जा सकते हैं, तो सब लोग अपने अपने घर पे छत पे या फिर बागीचे में ऐसा पौंड बनाते हैं और छठ पूजा किया जाता है। तो जब तक कोरोना है तब तक यही स्थिति रहेगी। तो अभी इसकी सफाई हो रही है, इसको साफ़ किया जाएगा, उसके बाद इसके अंदर फिर से पानी भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पूजा शुरू होगा। हेलो, माय नेम इज़ वेद। चलिए दोस्तों, पहला अर्घ की शुरुआत करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, आपको दिखाया था, देखो साफ करके कितना खूबसूरत पानी दिख रहा है, एकदम क्लीन पानी दिख रहा है। वहाँ मेरी मातोश्री बैठी हुई है और अभी पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहला अर्घ शुरू करते हैं। सो गाइस, सूर्यास्त हो चुका है और अब टाइम हो गया अर्घ देने का। तो चलिए गाइस, अभी वाइंड अप हो रहा है और इसके बाद जो है कोसी का काम शुरू होगा। तो चलिए अभी दिखाते हैं कोसी जो होता है कैसे किया जाता है। तो ये फर्स्ट अर्घ के बाद का कार्यक्रम है कोसी, तो उसकी तैयारी करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये बांधा जा रहा है कोसी, होने से पहले इसमें सब फ्रूट्स और ठकुआ जो होता है उसको इसमें डाल के बांधा जाता है। Yeah.
सारा निकाली कर एक और जोड़ी बोल ले गुंजना बाबू ले बोल ले सुमिता हाँ जी दोस्तों, आज का जो पूजा का था फंक्शन आज का ख़त्म हो गया। सेकंड जो मैंने आपको दिखाया कोसी हो रहा था, कोसी के बाद आज का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं और सेकंड अर्घ दिखाते हैं आपको, क्योंकि सूर्योदय आपको पीछे दिख रहा होगा, सूर्योदय होता हुआ दिख रहा होगा, लालिमा दिख रही होगी आसमान में। तो जैसे ही सूर्य ऊपर आएंगे सेकंड अर्घ किया जाएगा और उसके बाद छठ पूजा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो छठ व्रती जो लोग हैं वो लोग सब आप देख रहे होंगे सामने खड़े हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड में और इंतजार किया जा रहा है सूर्योदय होने का। तो इस तरीके से अर्घ का काम भी शुरू हो गया, सुबह का जो अर्घ होता है उसका काम भी शुरू हो गया। आप कलशोप में बच्चे पहले देंगे और इतने को कितना छोटा सा कलशोप है और ये वेद बाबू जो सबसे छोटे हैं घर के ये अर्घ दे रहे हैं। मेट रानी कोई सयानी सुपरमैन 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 तो इस तरीके से हुआ सूर्योदय और आज छठ पूजा का हो गया समापन।